जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम सोहन गिरी है और अभी जो वर्तमान में जम्मू में किष्किंधा हनुमान जन्मभूमि रथ यात्रा पहुंची है यहाँ पे, जिसका कि स्वागत भारत रक्षा मंच जम्मू इकाई द्वारा किया गया है। और जो ये यात्रा पूरे देश में चल रही है, जिसका नाम अखंड भारत हिंदू राष्ट्र यात्रा है, उसका ध्येय यही है कि संपूर्ण भारत में भक्तिमय, धार्मिक और हर तरीके से शांति का प्रचार करने के लिए यात्रा निकली हुई है। और कर्नाटका में किष्किंधा हनुमान जन्मभूमि में हनुमान जी की 705 फीट की प्रतिमा का अनावरण और एक भव्य मंदिर बनाने के लिए ये संकल्पित यात्रा गोविंदानंद सरस्वती महाराज जी द्वारा की गई है। अभी पीछे हम बॉर्डर पे LOC में आपका टीटवाल भी गए थे इसी यात्रा में, और वहाँ पे भी पहली बार 75 सालों में आरती हुई, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। वर्तमान में उसके बाद हम लाल चौक में गए, जहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, वो भी अपने आप में ही एक अविस्मरणीय कार्य किया गया इस यात्रा द्वारा। और हम तो भारत सरकार से ये कहते हैं कि लाल चौक की जगह उसका नाम राम चौक रख दीजिए, और जिससे कि देश में जो वर्तमान सरकार है, राम राज्य की जो स्थापना करने के लिए कार्य हो रहे हैं देश में पिछले 9 साल से, आने वाले इलेक्शन में भी हमारा जो क्या कहते हैं यही सरकार दोबारा आए और राम राज्य और जो PAK है वो वापस हमारे पास आए, यही मैं कहना चाहता हूँ। यात्रा है किष्किंधा से चलकर, जहाँ वीर हनुमान जी का जो जन्म स्थली है, वहाँ से चलकर ये पूरे देश का मतलब भ्रमण करते करते LOC के लास्ट कहाँ जो है शारदा पीठ के सिरे तक पहुँचने के बाद ये वापस जो आ रही है, इसका यही उद्देश्य है कि भारत के जन जन को, भारत के बच्चे बच्चे को श्री राम जी की जो राम राज्य की जो भावना उनके दिल में थी, वो हम सब में एक तरह से ऐसे पनपे कि लोगों के जो है द्वेष भावना जो है हमारे जितने भी समाज हैं, सामाजिक तत्व हैं, उन सब में से समाप्त हो जाए। उसी संदर्भ में ये हमारे गुरुजी और इतने बड़े उद्देश्य को लेकर जो चले हुए हैं, हमारा सबका फ़र्ज बनता है कि हम इनके साथ शाना बशाना जितना भी हो सके हम अपना सहयोग देकर अपने साथ उनका साथ बढ़ाएं। और हम यही इच्छा रखते हैं, हम यही ख्वाहिश करते हैं कि पूरे देश में एक किस्म का एक तरह से राम राज्य की स्थापना हो जाए। और मैं यही अनुरोध करूंगा जम्मू वासियों को भी कि जैसे भी हो सके, जिस तरह से जितना सहयोग हो सके, अपना कम से कम इसमें योगदान दें, और ताकि आप वीर हनुमान जी की जो जन्मस्थली है वहाँ से जो ये यात्रा चली है, वीर हनुमान जी का आशीर्वाद जो है वो आप सबको मिले। बस इसी से मैं आप सबको यही अनुरोध करूँगा कि इस हमारी रथ यात्रा में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सभी जम्मू वासी जो हैं इनको सबको धन्यवाद, और जो हमारे खासकर उनका जो सहयोग है उसकी अति आवश्यकता है। धन्यवाद।